हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि हम किस तरह से आपके पास में जो भी टाइप का कैमरा अवेलेबल है या फिर आप कोई नया कैमरा बाय कर रहे हैं लेकिन आपका बहुत ज्यादा बजट नहीं है, तो आपको कैमरे के अंदर ऐसी क्या सेटिंग्स करनी पड़ेगी या फिर क्या ऐसी कुछ चीजें करेंगे जिसकी वजह से आप कोई भी व्हीकल का नंबर प्लेट डिटेक्ट कर पाए या फिर कोई भी जगह का डिजिट जो होता है वो रिकॉग्नाइज कर पाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाकर सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरों के साथ में शेयर करिए और शुरू करते हैं आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को। तो दोस्तों, जब भी आप कैमरे का इंस्टॉलेशन करते हैं और जब कैमरे के इंस्टॉलेशन की बात होती है तो वहां पर जो हमारा मेन गेट होता है तो वहां पर क्लाइंट की जो डिमांड है वो ये होती है कि वो ये चाहते हैं कहीं ना कहीं कि गाड़ी जो आ रही है चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो उसके नंबर प्लेट उनके सीसीटीवी कैमरा में आ जाए। लेकिन जब हम सीसीटीवी कैमरा के अंदर नंबर प्लेट रिकॉग्निशन की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास में एएनपीआर या फिर एलपीआर मतलब ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा या फिर एलपीआर लाइसेंस प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा हमारे दिमाग में आते हैं। और ये जो कैमरा है इसकी जब कॉस्टिंग की बात करें तो काफी हाई एंड लेवल पर होती है। अब हाई एंड लेवल मतलब 40-50 हजार रुपए से ये कैमरा शुरू होते हैं, 70-80 हजार रुपए 90 हजार रुपए तक कैमरा आते हैं। तो हर क्लाइंट का ये इतना बड़ा बजट नहीं होता लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट तो होती है कि यार कम बजट में ही कैमरास के अंदर हमें नंबर प्लेट दिखाई दे जाए। तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं। जब भी आप सीसीटीवी कैमरे का इंस्टॉलेशन करो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि हर कैमरे में हर जगह पर हर कंडीशन में आपको नंबर प्लेट मिलेगी या फिर आपको कोई भी डिजिट है उसका रिकॉग्निशन होगा। लेकिन अगर आप इन बातों का कुछ ध्यान रखेंगे तो आपको मैक्सिमम टाइम के ऊपर नंबर प्लेट रिकॉग्नाइज हो जाएगी और उसके साथ साथ में अगर कोई डिजिट भी आइडेंटिफाइड करना चाहते हैं तो भी हो जाएगी। सबसे पहले आता है हमारा कैमरे का सिलेक्शन। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने वहां पर कोई कैमरा अभी फिलहाल नहीं लगाया है और आप कैमरा लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आईपी कैमरा और एचडी कैमरा, तो बट ऑब्वियस है कि आपको सबसे पहले आईपी कैमरा ही लेना चाहिए और उसके अंदर भी जो प्रीमियम सीरीज आती है जिसके अंदर एचएलसी का फंक्शन होता है, मतलब एंट्री लेवल को छोड़कर अदर जो प्रीमियम सेगमेंट्स हैं उसके कैमरा आप लेंगे तो उसमें जो सेटिंग्स होती है वो ज्यादा होती है। तो आपको जो आगे मैं बताने वाला हूं जो सेटिंग्स तो उसमें मिल जाएगी, रेगुलर में नहीं मिलेगी, वो प्रीफर करना चाहिए। अगर यहां पर आप वो प्रीफर नहीं करते हो, आप एचडी भी कर रहे हो तो मैं आगे की जो सेटिंग्स बताऊंगा, आगे की जो मैं चीजें बताने वाला हूं उसमें भी आप कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास में ऑप्शन है एक अच्छा कैमरा बाय करने के लिए, गो विद द आईपी प्रीमियम सीरीज कैमरा। दूसरा पॉइंट आता है यहां पर कि कैमरे का माउंटिंग और उसकी लोकेशन, ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी आप आपके क्लाइंट के साथ में बात करते हैं कि उनको नंबर प्लेट देखनी है तो वहां पर क्लाइंट के दिमाग में और आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि गेट दिखे या नहीं दिखे, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट दिखे या ना दिखे, लेकिन नंबर प्लेट आपको देखनी है। अगर क्लाइंट ये कहता है या फिर आप ये सोच रहे हैं कि आपको नंबर प्लेट भी मिल जाए और पूरा गेट भी दिख जाए तो वो चीजें पॉसिबल नहीं होती। तो आपके दिमाग में ये माइंडसेट एकदम क्लियर रखना कि अगर आपको नंबर प्लेट देखनी है तो उसकी माउंटिंग होगी, उसका जो लोकेशन होगा वो डिफरेंट होगा। अगर पूरा उसको गेट देखना है मतलब उसको उसके अंदर जितने लोग आ रहे हैं वो भी दिख जाए, बाहर का भी दिख जाए, उसके बाहर का भी दिख जाए, तो वो चीजें नहीं होती। यहां पर आपका माइंडसेट क्लियर कि आपको नंबर प्लेट देखनी है, रेगुलर कैमरास के अंदर देखनी है, दिखाने का प्रयत्न आप कर सकते हैं। तो इसकी जो लोकेशन होती है वो ऑलवेज आप मैक्सिमम 6 फुट या 7 फुट की हाइट रखिए और सेंटर। कई जगह पर क्या करते हैं लोग कि जो कैमरा को जो माउंट करते हैं वो साइड में कॉर्नर से कर रहे हैं तो पूरा व्यू देखने के हिसाब से करते हैं, वैसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जितना हो सके आपको सेंटर लोकेशन पकड़नी है, मतलब अगर उस गेट से अगर गाड़ियां एंट्री करने वाली है तो अगर उस गेट से गाड़ी एंटर कर रही है तो आप उसका सेंटर पकड़ेंगे, चाहे वहां पर आपको कोई पोल लगाना पड़ता है थोड़ा बहुत आगे पीछे करके। ऐसा नहीं कि रोड के बीच में आपको पोल लगा देना है, लेकिन ट्राई करिए मैक्सिमम कि उसकी सेंटर लोकेशन आपको मिले। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी सेंटर लोकेशन, अगर सेंटर लोकेशन नहीं मिलती है तो फिर आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। कैमरे का जो व्यू एंगल है वो बर्ड व्यू होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि ज्यादातर कैमरा ऐसे स्ट्रेट लगाते हैं, ठीक है। जब आप कैमरे को स्ट्रेट लगाओगे और जब उसके सामने व्हीकल आएगा, ठीक है, तो जो पीछे का जो बैकग्राउंड है उसके अंदर या तो दूसरे व्हीकल होंगे या फिर दूसरी कुछ लोकेशंस हो सकती है, वैसा आपको सिलेक्शन नहीं करना है। इसमें आप हमेशा फंसोगे,
ठीक है, आपको रखना है कुछ बर्ड माउंट कुछ इस तरह से। अब क्या होगा कि जो ये गाड़ी है तो गाड़ी के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड ऑलवेज रोड होना चाहिए। तो यहां पर आपको मैक्सिमम जो फोकल लेंथ होती है वो आपको मिलती है, मतलब फोकस होता है उस पर्टिकुलर एक गाड़ी के ऊपर, और वहां से आपको काफी अच्छे चांसेस होते हैं कि वो नंबर प्लेट आपको दिखाई दे जाए। अब आप कई जगह पर ये भी बात करेंगे कि सर ये भी ले लिया, ये भी ले लिया और इसका डिस्टेंस ज्यादा है, तो वहां पर जब आप कैमरे का सिलेक्शन करते हैं तो जितना आप हो सके वेरी फोकल में जाइए, 2.8 to 12 mm जो लेंस आता है जहां पर आप उसको लेंस को एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर फिक्स लेंस में जा रहे हैं और आपको पता है कि वहां पर 3.6 काम नहीं करेगा, लेंस थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है, तो वहां पर आप 6 mm, 8 mm, 12 mm के जो फिक्स लेंस वाले कैमराज हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। तीसरा इसके अंदर आता है कि आप जब भी कैमरा को माउंट कर रहे हैं जहां पर भी लगा रहे हैं तो वहां पर लाइटिंग की कंडीशंस कैसी है। ऐसा नहीं हो कि सामने से सनलाइट आ रही है और आप इधर से दे रहे हैं, ठीक है, इधर से सनलाइट आएगी तो देयर इज अ मैक्सिमम चांसेस कि आपको वहां पर इतनी अच्छी विजन नहीं मिलेगा। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखिए कि अगर आप फ्रंट से लेना चाहते हैं और इधर आपकी लोकेशन कुछ ऐसी पड़ रही है कि प्रॉपर नहीं आ पा रहा है तो आप बैक एंड से भी दे सकते हैं, क्योंकि जो गाड़ी अगर सोसाइटी के अंदर से जाएगी तो वापस बाहर भी आएगी, ठीक है। तो आप अगर इस कैमरे से कवर नहीं कर पा रहे तो आप आउट कैमरा जो होता है वहां से आप कवर कर सकते हैं। तो लाइटिंग कंडीशन का ऑलवेज आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है कैमरे के पैरामीटर्स। अब हर कैमरे के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, चाहे HD कैमरा होगा उसके अंदर भी आप कैमरा के पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आपको वहां पर करना है और IP के अंदर तो बट ऑब्वियसली आप कर ही सकते हैं। अब कैमरा पैरामीटर के अंदर एक सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है उसकी फ्रेम रेट, मतलब वो जो कैमरा है वो कौन सी फ्रेम रेट पे काम करेगा। तो ऑलवेज आपको ये अगर इस तरह के कैमरे इस तरह की लोकेशन पे लगा रहे हैं तो मैक्सिमम फ्रेम रेट पे ही आपको रखना है। कई सारे DVR या फिर NVR ऐसे भी होते हैं जहां पर आपको जो फर्स्ट नंबर का कैमरा है, मतलब पहले चैनल का जो कैमरा है, उसमें तो आपको 25 या 30 की फ्रेम रेट पे रिकॉर्ड करने की परमिशन देता है, लेकिन जो सेकंड कैमरा होगा वो 15 के फ्रेम रेट पे होगा। तो अगर आपका मेन गेट का कैमरा है तो उसको ऑलवेज फर्स्ट चैनल पे रखो ताकि आपको मैक्सिमम वहां पर फ्रेम रेट मिले, मतलब हमारे CCTV के अंदर 25 की फ्रेम रेट बाय कॉमन है। अगर आप चाहते हैं कि और इच्छे अच्छी क्लियरिटी आए तो जब आप कैमरे का सिलेक्शन करते हैं उस टाइम पर भी कुछ कैमरास अभी मार्केट में अवेलेबल है जो 60 की फ्रेम रेट पर रिकॉर्ड करते हैं, ओके। सो वैसे भी कैमरा अगर आप बाय करना चाहो तो आप बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में वो ऑप्शन नहीं है, वो ज्यादा कॉस्टली जा रहा है, तो आप मैक्सिमम जितना भी कर पाए मैक्सिमम फ्रेम रेट रखिएगा, मैक्सिमम बिट रेट रखिएगा, मतलब कि उसके अंदर लो मीडियम नहीं, एकदम हायर एंड पे ही रखिए। उसके साथ साथ में आपको यहां पर HLC का सेटिंग करना है। हो सकता है कुछ कैमरे में HLC हो और हो सकता है कुछ कैमरे में ना हो, तो ये आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। अब जब भी आप कैमरे के अंदर सेटिंग्स करते हैं तो वहां पर आपको ऑलवेज चूज करना है शेड्यूलिंग। अब शेड्यूलिंग क्या है, जिन लोगों ने मेरे कोर्सेज परचेज किए हुए हैं उन लोगों को पता है कि शेड्यूलिंग क्या होती है। देखो, दिन के टाइम पर लाइटिंग कंडीशन कुछ और होती है और रात के टाइम पर, शाम के टाइम पर लाइटिंग कंडीशन कुछ और होती है। अगर आपने दिन के हिसाब से सब लाइटिंग कंडीशन का सेट किया हुआ है तो जब रात होगी तो क्या होगा, मतलब उस लाइटिंग कंडीशन पे रात में आपको वैसा विजन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप रात के हिसाब से सेट करेंगे तो दिन में नहीं मिलेगा। तो हर एक कैमरे में शेड्यूलिंग होता है, उस शेड्यूलिंग के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं कि दिन के टाइम पर जो आपकी कलर की सेटिंग्स है, जो कैमरा पैरामीटर्स है वो ये होंगे, और जब शाम को 7 बज जाएगी तब ऑटोमेटिकली कैमरा खुद उसका जो लाइटिंग का जो सेटअप होगा, जो आपने मैन्युअली सेट किया था, उसके ऊपर ट्रांसफर कर देगा। तो इससे क्या होगा, आपको दिन में भी अच्छी फुटेजेस मिलेगी एज वेल एज आपको रात में भी अच्छी फुटेजेस मिलेगी। इस फीचर का यूज ना के बराबर लोग करते हैं आज हमारे CCTV इंडस्ट्री के अंदर। तो आपको इन सब चीजों का अगर यूज करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। इसी तरह से आपको DVR का और NVR, अगर आप DVR लगा रहे हैं या फिर NVR लगा रहे हैं तो उसमें भी उन्हीं पैरामीटर्स का ध्यान रखना है कि जब आप उसको इनकोड के अंदर जाएंगे, मतलब वीडियो के अंदर जाएंगे, तो वहां पर आपको मैक्सिमम फ्रेम रेट रखनी है, मैक्सिमम बिट रेट रखनी है, यानी कि वहां पर जो भी आप वन ऑफ द बेस्ट कर पाए उस पर्टिकुलर कैमरे के लिए वो करिए। बाकी अगर कैमरे में कुछ आगे पीछे करेंगे रिकॉर्डिंग के डेज के लिए तो आप वहां पर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नंबर प्लेट रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं तो जो भी होगा वो सब आपको हाई एंड पे रखना है और इसके बाद में उसको सेट करना है।
तो इतनी चीजों का आप ध्यान रखते हुए कोई भी कैमरे से उसका मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% आ ही जाएगा, लेकिन यही फैक्टर होते हैं जो आप कोई भी, इवन आप अगर लाइसेंस प्लेट एलपीआर कैमरा भी लगा रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको इन चीजों का तो ध्यान रखना ही है, बाय डिफॉल्ट रखना है। अगर उसको भी जस्ट डायरेक्टली लगा दिया तो ऐसा नहीं है कि जस्ट लगाने के बाद में आपको रिजल्ट मिल जाने वाले हैं, आपको इन्हीं सभी फैक्टर का ध्यान रखना है। तो हम लोग मैक्सिमम ट्राई करते हैं ऑलवेज कि अगर मैं उसकी लोकेशन, उसका माउंटिंग, कैमरे का सिलेक्शन, कैमरे के पैरामीटर्स और डीवीआर और एनवीआर के पैरामीटर्स अगर मैं अच्छे से सेट कर लूं तो मैं कोई भी कैमरे के अंदर उसका मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकता हूं। जैसा कि कहते हैं, एक एग्जांपल है, अगर मैं आपके हाथ में एक डीएसएलआर दे दूं तो जरूरी नहीं है कि आप उस डीएसएलआर कैमरे से एक अच्छी फुटेज या फिर एक अच्छा फोटो कैप्चर कर लेंगे। उसके लिए आपको डीएसएलआर के अंदर नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि आप सीसीटीवी कैमरा के अंदर इस तरह के एक्सपर्ट बन जाए कि आपको हर फीचर्स के बारे में पता हो कि कैमरा कैसा भी हो उससे आप मैक्सिमम उसका आउटपुट किस तरह से निकल सकता है वो आप सीख जाए। मुझे लगता है कि जो इंफॉर्मेटिव वीडियो आज मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, आपकी जिंदगी में काफी काम आने वाला है। अगर वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर कुछ नई टाइप की टेक्नोलॉजी, नए गैजेट्स और नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।